हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना होता है तो आपको शुरुआती दौर से ही कुछ एफर्ट्स को करना पड़ता है। चलिए आज जानते हैं उन सारे एफर्ट्स के बारे में जो अगर आप करते हैं तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को आसानी से बचा सकते हैं। दोस्तों अपनी शादीशुदा जिंदगी को आसानी से बचाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने नाइटिंग यानी कि सोने के समय को एक जैसा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पहले अपने बेडरूम में चले जाएं और आपकी वाइफ आधे या एक घंटे बाद सारे काम को खत्म करने के बाद ही आपके पास आएं। ऐसा करने से टाइम डिस्टर्ब होता है और ऐसा करने से कई बार रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसीलिए बेडरूम में जाने का समय एक ही रखिए और आप चाहें तो अपनी वाइफ का वेट भी कर सकते हैं कि वो कब अपने काम खत्म कर रही हैं। इसी के साथ साथ अपने बेडरूम से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहर रखिए, फिर चाहे वो आपका टीवी हो, कंप्यूटर हो या फिर आपका मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बेडरूम के अंदर प्यार को कम करके बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। इसीलिए इन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने रूम से दूर रखिए। इसी के साथ साथ रात को बच्चों को जल्दी सुला दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। हमेशा बेडरूम में जाने के बाद अपने आप एक दूसरे से पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत बनता है। सो दोस्तों ये है वो सारे काम जो आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए जरूर करने चाहिए, ताकि आप अपने रिश्ते को भी बचा पाए और अपने रिश्ते को मजबूत भी बना पाए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।